यस सर। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा सात का राजनीतिक शास्त्र पाठ पांच। पाठ पांच क्या है? पाठ छ का है। पाठ छ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक। पाठ छ में कहानी है, पाठ छ का है। पाठ थ्री में कहानी है मीडिया द्वारा लोगों में जागरूकता। तो क्या कहानी है? पार्ट छ का है, पार्ट थ्री मैंने तीसरा भाग में है। कहानी का नाम है मीडिया द्वारा लोगों में जागरूकता। मीडिया क्या करता है? लोगों में जागरूकता लाता है। क्या लाता है? जागरूकता लाता है। कहता संचार के माध्यम से देश विदेश की खबरों के साथ साथ सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को भी हम तक पहुंचाते हैं। मीडिया क्या पहुंचाते हैं? देश विदेश के समाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं। किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पहुंचाते हैं ना, रेडियो के माध्यम से। तो इसका माध्यम है और कार्यक्रम को हम तक पहुंचाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का विरोध करते हैं। लोग सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का क्या करते हैं? फैसलों का विरोध करते हैं। फैसलों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। विरोध करते हैं। कई बार हम देखते हैं लोग विरोध कर देता है उसमें। असहमत होने की स्थिति में नागरिक विरोध के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत संबंधित विभाग के मंत्री को पत्र लिखना, हस्ताक्षर अभियान चलाना, जुलूस निकालना, धरना इत्यादि करके सरकार को अपने कार्यक्रम पर पुनः विचार के लिए आग्रह करते हैं। क्या करता है? जुलूस निकाल देता है। क्या निकालता है? जुलूस निकाल देता है। उसके लिए क्या करता है? जुलूस निकालता है, धरना प्रदर्शन करता है और बहुत तरह का कार्य कर देता है जो कि सरकार को उसके लिए मजबूर कर देता है। आग्रह कर सकते हैं तो अखबार टीवी रेडियो में इनकी खबरें रपट एवं विचार विमर्श का प्रसारण होता है। हम लोग समाचार किसके माध्यम से देखते हैं? समाचार हम लोग को कैसे मिलता है? समाचार के माध्यम। टीवी हो गया, उसके बाद रेडियो, उसके बाद क्या हो गया? अखबार। क्या हो गया? अखबार इत्यादि। क्या है सब? ये सब समाचार के माध्यम हो गया। यही सब है माध्यम। समाचार हम लोग जो देख लेते हैं टीवी में, क्या देख? टीवी में समाचार तो देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं और अखबार में पढ़ते हैं। इससे क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं, मैंने चर्चा करते हैं, ठीक। प्रसारण था इस इन पर चर्चा लोगों तक पहुंचती है। कहता है इस प्रकार इन बातों की चर्चा लोगों तक पहुंचती है, यह जनमानस में आम बहस का मुद्दा बन जाता है। विभिन्न राजनीतिक दल इस बात को भली भांति समझ लेते हैं कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है? लोक मतलब क्या होता है? लोकतंत्र मतलब क्या हुआ? लोक मतलब जनता हो गया। लोक मतलब क्या हो गया? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब क्या हो गया? जनता का शासन। क्या हो गया? जनता। लोक मतलब हो गया जनता और तांत्रिक मतलब शासन, जनता का शासन।
तो जान गए लोकतांत्रिक के बारे में, कतई नजरअंदाज कर देते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल इसको कभी भली भांति समझते हैं कि जनता लोकतांत्रिक अधिकारों में नजरअंदाज कर सकते हैं। इस तरह के लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। लोकतंत्र को क्या कहते हैं? मजबूत करते हैं। वह मनरेगा की न्यूज। पटना के समीप एक गांव में मनरेगा कार्यक्रम के तहत मिट्टी कटाई का कार्य किया जा रहा था। पटना में क्या कर रहे थे? पटना के समीप, पटना के पास ही, समीप मने वही मनरेगा काम हो रहा था। किसका हो रहा था? मनरेगा। मनरेगा में क्या होता है? मिट्टी काटता है, काटता है ना आदिवासी लोग, मजदूर सब मिट्टी काटता है। इस काम के लिए मजदूरों की जगह बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जेसीबी लगा देगा क्या होगा? वो बड़ी मशीन हुआ ना, बोलो, मजदूर का कमाई खत्म हो गया ना। अगर मनरेगा में तुम लगा देते हो मशीन, जेसीबी लगा दोगे, तो क्या गरीब आदमी का दिक्कत हुआ ना? वो कमाता है दिन भर, तब तो उसका घर पे चूल्हा जलता है। तो क्यों मनरेगा योजना क्या है? गरीब मजदूर को काम मिलता है उसमें, अगर मशीन लगा देता है तो उसको विरोध नहीं करेगा? विरोध करना चाहिए। रोजगार को अधिक से अधिक मौके दिए जाने पर बल दिया गया। कथा मशीन लगा इस्तेमाल हो रहा था। इस कार्यक्रम को लोगों ने रोजगार को अधिक से अधिक मौके दिए जाने पर बल दिया गया। मशीनों का इस्तेमाल वर्जित है और मनरेगा में क्या है? मनरेगा में मशीनों का इस्तेमाल क्या है? वर्जित है। मशीन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मशीन का आप नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल। मशीन का इस्तेमाल करना इस्तेमाल क्या है? वर्जित है। वर्जित है, वर्जित मैंने मना है। अगर कर दोगे तो जेल जाना पड़ेगा तुमको। अगर वहां मजदूर से मिट्टी कटवाने गए और तुम कटवा दोगे मशीन से, तो तुमको जेल जाना पड़ेगा ना, फंस जाओगे तुम। कहता मशीनों की अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जाता है। इस मनरेगा योजना में मशीनों की जगह क्या किया जाता है? मजदूरों को काम दिया जाता है। और गांव में रहने वाले को कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। कितना दिनों का? गांव के लोगों को कितना दिन का रोजगार की गारंटी दिया जाता है? गांव के लोगों को कितना दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का रोजगार। कितना दिन का? 100 दिन का। 100 दिन के रोजगार दिया जाता है। रोजगार में क्या होता है बताइए कुंदन, क्या होता है रोजगार? रोजगार में काम क्या हो गया? यहाँ नियमों की अवहेलना की जा रही है। अगर मशीन लगा दिया मनरेगा योजना में, कहीं बांध या पोखर हो रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें? अवहेलना हो रहा है ना कानून का। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब से शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसे मनरेगा का नाम, मैंने इसको नाम दिया गया, ये नाम मनरेगा का नाम कब रखा गया? 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसे मनरेगा का नाम दिया गया। कब से? 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व ये नाम दिया गया मनरेगा का। मनरेगा के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है तो कभी भूलिएगा मनरेगा का नाम कब दिया है? 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व मनरेगा के नाम से जाना जाता है। तो क्या हुआ? मीडिया कर्मी के द्वारा इस खबर को प्रमुखता के अखबारों एवं चैनलों पर प्रसारित किया, यूट्यूब चैनल पर छोड़ दिया वीडियो बना करके। वो आप भी अगर आपका क्षेत्र में अगर कुछ काम गलत हो रहा है, तो आप उसको मीडिया तक पहुंचा सकते हैं, उसको पोस्ट कर सकते हैं, जाकर के विरोध कर सकते हैं। अगर कोई मनरेगा का कार्य मशीन से करवा रहा है, तो उसका विरोध कर सकते हैं। नहीं माने तो आप उसको
डाल दीजिए फेसबुक पेज में ले जाके, या मीडिया कह सकते हैं। खबरों की जानकारी उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई और गांव पहुंचकर उन्होंने मशीनों से किए जा रहे काम को तुरंत बंद कराने का आदेश दिया। और क्या हुआ, उच्च अधिकारी के पास पहुंचा, किसके पास पहुंचा, उच्च अधिकारी के पास पहुंचा, तो वो क्या हुआ आकर के बंद कराए काम को, क्या कराए, उच्च अधिकारी आकर के बंद करवाए काम को। उन्होंने जांच की और पाया कि मजदूरों की जाली उपस्थिति दर्ज कर आवंटित राशि को आपस में बंदरबांट किया जाता है। जांच अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर मजदूरों को उनका हक दिलाया और जांच अधिकारी ने देखा कि फर्जी काम कर रहा है, मैंने मशीन से काम करवाता और मजदूर का हाजिरी दे देता है और अपना पैसा सब बांट लेता आपस में। तो वो जांच अधिकारी ने मजदूरों का कार्रवाई किया और मजदूरों का हक दिलाया। ठीक, लोकतंत्र में हम सभी को बोलने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का हक होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में आप अपना विचार रख सकते हैं। अगर रोड में घटिया काम हो रहा है तो उसको आप रोक सकते हैं, आपका टोला मोहल्ला में। अगर वो गलत मतलब अच्छा से वो काम नहीं कर रहा है, जैसे तैसे कर देता है, जितना उसको सीमेंट बालू देना चाहिए अगर कम देता है, या जैसे हो रहा है, या पिचिंग रोड बनता है प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसमें आप विरोध कर सकते हैं। लोकतंत्र में कोई आपको नहीं रोक सकेगा, क्यों आप विरोध किए, कोई आपको धमकी दे पाएगा क्या, क्योंकि आपको हक बनता है। तो लोकतंत्र का मतलब, लोकतंत्र में हो गया जनता का शासन, जनता के पास भी हक है ना, हक कहता बोलने अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार के क्या कर सकते हैं। कोई आपका विरोध नहीं करेगा, गलत काम होगा तो उसको रोक सकते हैं। मीडिया इस आजादी का उपयोगी करते हैं, मीडिया क्या करते हैं, इस आजादी का उपयोगी करते हैं। मीडिया किसको कहते हैं पता है आप लोग को, बताएं मीडिया के बारे में। मीडिया पत्रकार को कहते हैं, किसको कहते हैं, मीडिया पत्रकार को कहते हैं। इस आजादी का उपयोग करते हैं, इस कारण लाखों लोगों तक अलग अलग विचार एवं खबरें पहुंचती है। खबर जो पहुंचता है किसे पहुंचता है, मीडिया के माध्यम से पहुंचता है ना। मीडिया वहां माइक लेके गया, पूरा भीड़ में कहीं घटना हुआ है, घटना स्थल पर गया, उसका ब्यौरा लेता है मीडिया और उसका वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर छोड़ता है, टीवी में दिखने लगता है, कुछ समाचार दिखता है ना टीवी पर, मोबाइल में आ जाता है, पेपर में डाल मैंने पेपर